थानाध्यक्ष सॉरी, हमारी सर्विलांस टीम प्रभारी एसआई शैलेंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम कुलदीप यादव पुत्र सत्यवीर यादव, निवासी ग्राम इजलपुर थाना सौरिक है। ये विभिन्न जनपदों में अवैध और अपमिश्रित विषाक्त शराब सप्लाई करने का धंधा करता है और इसके द्वारा सप्लाई किए गए शराब की वजह से 18 मई 2018 को कानपुर नगर में 7 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से चली गई थी। इसके विरुद्ध वहां पे 308 आईपीसी सहित शराब की धाराओं के 3 मुकदमे सचेंडी थाना क्षेत्र में और 2 मुकदमे नौबस्ता चकेरी में पंजीकृत हैं, जिसमें कि ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर कानपुर नगर पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था और ये कानपुर नगर पुलिस को चकमा दे रहा था। कानपुर नगर पुलिस से हम लोगों को अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था और हुकुम तहरीरी के आधार पर हमने अपनी टीम को यहाँ पे लगाया और अब जाकर के हमारी टीम ने इस 50,000 के इनामी अपराधी को, जिसकी वजह से 7 लोगों की जान गई थी और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार हुए थे, गिरफ्तार किया गया है और ये जो टीम है उसको इस पे घोषित इनाम की राशि है वो दी जाएगी। सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, कैसे गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी ये जो है गिरफ्तारी सौरिक थाना क्षेत्र से हुई है, उसका पूरा डिटेल इस प्रेस नोट में है और हमको मुखबिर के माध्यम से ये इनपुट मिला था कि ये अपने जो इसके मुकदमे हैं उसकी पैरवी में निकला हुआ था और इसका प्रयास था कि जो इसके पहले के मुकदमे हैं उसमें कुछ मतलब पैरवी के चक्कर में निकला हुआ था, तो मुखबिर से जानकारी मिल गई। अच्छा, ये इसके बारे में बता दूं कि ये 2003 से ये शराब के धंधे में उतरा है और ये ऐसा माफिया है जिसने जहरीली शराब को बेच करके अकूत संपत्ति भी एकत्रित की। तो हम लोग उसकी भी छानबीन कर रहे हैं कि इसके द्वारा इस धंधे से कितनी संपत्ति बनाई गई है और तदनुसार उसमें भी कार्रवाई करेंगे। क्या सर, कन्नौज में भी फराक में था है? कन्नौज में शराब बेचने की फराक में था इस तरह की? देखिए, कन्नौज में भी शराब के विरुद्ध, शराब बेचने के मामले में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है और इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इसके खिलाफ छिपरामो थाने में 2012 में हो चुकी है और गुंडा एक्ट समेत कई मुकदमे हैं, करीब 11 मुकदमे हैं। वर्तमान में ये 6 मुकदमे में बांटेड चल रहा था। कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं पूछताछ से? इसके बारे में इससे पूछताछ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग को मिली है और उस पर काम करेंगे तो भविष्य में अच्छे परिणाम की अपेक्षा करते हैं।